स्वागत है सभी का बीटीएस न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में हैं और ये मिर्जाहादीपुरा चौक पे हम लोग यहाँ पे हैं आईसीआई बैंक के बगल में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नेकी की दीवार है, मिर्जाहादीपुरा चौक पर है। जो आपके पास अधिक है यहाँ छोड़ जाएँ, जो आपकी ज़रूरत का है यहाँ से लेकर जाएँ। ये लाइन लिखी गई है इसलिए कि जो बेसहारे या फिर जो जिनके पास बहुत अधिक है, घर पे मतलब वेस्ट हो रहा है, इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, वो लोग यहाँ पर दे दें कि किसी की मदद हो जाए उससे। और जिसके पास नहीं है वो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह का मतलब कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। आप यहाँ से आएंगे, यहाँ पर आप ले के जाइए, छोटे से ले करके बड़े तक का हर एक कपड़ा यहाँ से उपलब्ध हो सकता है। और आप यहाँ पर आइए और इन लोग की मदद करिए ताकि ये लोग आगे भी इसी तरह काम करते रहें, जो कि ये हर साल करने की कोशिश करते हैं। अपनी तरफ से जितनी इनकी कोशिश होती है मदद करने की, ये लोग पूरी तरह से करते हैं। और आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाएंगे क्या रे ऑफ ह्यूमिनिटी की तरफ से ये लगाई गई है और ये हर साल इन लोग की कोशिश होती है कि जो गरीब हैं या फिर उनको मदद नहीं मिल पा रही है उन तक अपनी मदद पहुँचाने के लिए जितना इनसे प्रयास हो सकता है ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए यहाँ हम बात करते हैं जो यहाँ पर अतिथि आए थे। जी डॉक्टर साहब, जी अपना परिचय देने पहले तो। मैं डॉक्टर शाहिद जमाल, मैक्स हॉस्पिटल से। जी, ये किस तरह का ये लगा गया है, लगाया दीवार लगी है? ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं रे ऑफ ह्यूमिनिटी वाले। और क्या कहते हैं, इसमें क्या है कि कम से कम गरीब लोग जो नहीं कुछ खरीद पाते हैं उनके लिए ला के रखे हैं और उनको किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो ले के गए, तो इसमें उनकी भी इज्जत बनी रहती है, उनको ख़राब भी नहीं लगेगा कि हम ले के जा रहे हैं। तो ये तो काम बहुत अच्छा है कि इस्लामिक के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा है ये, कि कम से कम कि हम दूसरों की इज्जत भी बनी रहे और उनका काम भी हो जाए। तो किस तरह की फैसिलिटी मतलब ये लोग उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं? ये लोग यही कर रहे हैं कि जो भी कपड़े, गर्म कपड़े हैं या कुछ भी इस तरह कपड़े हैं जो बाकी लोग के बहुत काम आ सकते हैं, जिनके बच्चों के लिए हैं, बूढ़ों के लिए, सभी के तरह के उम्र के लिए है, तो इसके लिए ये लोग, मैं तो इन लोग को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे रे ऑफ ह्यूमिनिटी की तरफ से और ये नेकी दीवार को? तो और भी नहीं, काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और भी लोगों को इसमें मदद करते रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें तो कम से कम और लोगों तक अपनी बात। ये किस तरह की दीवार लगाई गई है? जी, ये रे ऑफ ह्यूमिनिटी इंसानियत की किरण के तहत नेकी की दीवार लगाई गई है, जो गरीब लोग, बेसहारा लोगों के लिए यहाँ पे कपड़ा ला के लोग रख रहे हैं, ताकि जो गरीब है जिसके पास कपड़े नहीं है, गर्म कपड़े नहीं, वो आके यहाँ से अपना बढ़िया तरीके से ले जा सकता है। और मैं मऊ के आवाम से अपील यही करना चाहता हूँ कि जो भी आपके पास बचा हुआ कपड़ा हो वो ला के यहाँ पर रख दें आईसीआई बैंक के बगल में, बाईपास पे। और ये हाँ, और जिनको भी ज़रूरत हो, जहाँ भी ज़रूरत हो, वो यहाँ बता दें उन गरीबों को, वो आके यहाँ से जो जितना चाहे, जैसा कपड़ा चाहे ले जा सकता है। कितने साल तक मतलब लोगों का कपड़ा यहाँ पे मिल सकता है? यहाँ पे छोटे बच्चों से लेके, मतलब एक दिन से बच्चों से लेके यहाँ पे 100 साल तक के बच्चों लोगों तक का कपड़ा मिल सकता है। तो आप लोग की क्या पहल है, क्या आगे करना चाहते हैं इसको लेकर? पहल यही है कि हम पूरे मऊ लेवल पे ये काम करना चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम पूरे मऊ शहर में चल रहा है इस चीज़ का। जी, आगे भी करेंगे। और कुछ दिन पहले अभी रे ऑफ ह्यूमिनिटी की तरफ से कपड़ा बांटा गया, कंबल बांटी गई, एक मतलब मऊ के नौजवानों के अंदर एक नई सोच, नई उमंग के साथ काम कर रहे हैं, जज्बे से कर रहे हैं कि हमारे मऊ के लोग कहीं कोई परेशानी हाल ना हो। ठीक, जैसा कहा कि रे ऑफ ह्यूमिनिटी की तरफ से मऊ जंक्शन पे ये न्यूज़ चली थी, वहाँ पे इन लोगों ने 10:30 बजे के आसपास वहाँ पे जो फुटपाथ पे सो रहे थे उन तक ये कपड़ा पहुंचाया, जिसको जो ज़रूरत था वो सामान उन तक पहुंचाने की इन लोगों ने कोशिश की। और वाकई में इनके काम को सराहने की बात है। और इसी तरह की खबरें बनी रहें, आपको मिलती रहेंगी। मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश मऊ से।